हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देख सकते हो मेरे पीछे दो दो गाड़ियाँ खड़ी है। एक है लॉर्ड एस्प्रेसो, जो मारुति की आज को सबसे ज़्यादा रोड पे दिखने वाली गाड़ी है, और दूसरी है पंच, जो कि काफ़ी ज़्यादा दमदार गाड़ी है, और दोनों ही एसयूवी सेगमेंट में आती हैं। और डिटेल रिव्यू करते हैं इनका, दोनों का कंपेरिजन वीडियो देखेंगे आज। बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यार साइड से देखिए, दोनों ही गाड़ी हमारी ब्लैक कलर में आती हैं, ग्रे जिसे भी बोल सकते हैं, मतलब हाँ। और दोनों ये जो है VXI है लॉर्ड एक्सप्रेसो की, और वो है इसका लोअर वेरिएंट, जिसको अपग्रेड करके हायर वेरिएंट में बना रखा है। तो यार इसमें देख सकते हैं 180 मीटर का इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस है, और सेम इसमें भी इतना ही आता है मारुति की गाड़ी में। और व्हील साइज़ की बात कर ले तो इसका 14 साइज़ है व्हील का, और इसमें कितना है, इसमें 15 व्हील साइज़ है। और कुछ बात करें इसके, और इसमें ये जो है सिंपल हाथ से मूव करने वाले आते हैं, और बाकी जो है अंदर से दिखाएंगे आपको। और दोनों ही पेट्रोल वेरिएंट है, ये भी पेट्रोल है एस्प्रेसो, और प्लस ये हमारी पंच है, जो ये भी हमारी पेट्रोल वर्जन है। और पीछे से कुछ प्रोफाइल ऐसा दिख रहा है इनका। बात करूँ विड्थ और हाइट की और बाकी सब की, विड्थ में ये चौड़ी है, और हाइट की बात करें तो लगभग दोनों की बराबरी लग रही है मुझे यहाँ पर देखने में। और व्हील बेस जो है वो भी बराबर सा ही लग रहा है, और हाइट जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम ही है। और चलो इनके अंदर जाके देख लेते हैं एक बार कैसा कैसा है। पहले हम एस्प्रेसो के अंदर जाते हैं। तो यार बात करें कि दरवाजों की, खोलते ही एक हल्का सा एहसास हुआ कि ये काफ़ी हल्के कंपेयर टू पंच, ये काफ़ी हल्के लगे मुझे। जैसे पंच के अंदर पकड़ते ही पता लगता है कि भारी है थोड़े से, अब आवाज़ ही इसमें तो भड़ की आती है, मतलब कि बहुत लाइट वेट सी फील होती है। और चलते हैं इसके फीचर्स देख लेते हैं थोड़े से। तो फीचर्स की बात करें तो ये VXI वेरियंट है, जो कि लगभग 6.5 के अराउंड आता है ऑन रोड। चल गया है, इसको बंद कर लूँ। और ये उसका कुछ डैशबोर्ड है, आपको पंच की तरह या बाकी गाड़ियों की तरह इसमें सामने नहीं मिलता, व्हील के स्टीयरिंग व्हील के सामने नहीं मिलता एक्सीलरेटर मीटर, स्पीड मीटर और जो भी डिजिटल कंसोल है, ये साइड में दिया गया है, जहाँ पे हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसी के ऊपर है। और बात करें, ये किलोमीटर चल चुकी है हमारी लगभग 6293 के अराउंड, और एवरेज की बात करें तो ये अभी दे रही है 20 का एवरेज दे रही है। और इसमें AC के सारे कंट्रोल्स हैं, हीटर और बाकी सारे, और इसमें हैंडल पे भी कंट्रोल हो जाते हैं हमारे, और AC के वेंट्स हैं, प्लस यहाँ पे लाइट दे रखी है हमारी, जो हमारी लाइट होती है हैलोजन लाइट ही है, और यहाँ पे हमारा सनशेड है। और बाकी क्या बात करें, और सीटिंग क्वालिटी के सीट कवर्स लगे हुए हैं, जो कि सिंपल ही है, सिंपल है। और बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस आगे तो दो जनों के लिए काफ़ी है, और मैं लैग स्पेस की बात करूँ तो मेरे लिए जितनी हाइट है, मेरी हाइट तो लगभग 5.5 फुट है, और मेरी हाइट के हिसाब से लैग स्पेस काफ़ी अच्छा है। और इसका गियर जो है मैनुअल गियर में आती है ये VXI इसकी, और हैंडल पे सारे कंट्रोल है। इसके अलावा पेट्रोल वेरियंट है, एवरेज आपको बता ही दिया 20 का एवरेज दे रही है, पहाड़ों पर ले आते तो 25 भी दिखा देती है, मतलब हाईवे पहाड़ों पे कहीं पे, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो इसलिए मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, तो हाईवे से ज़्यादा 25 का एवरेज दिखाती है। अब ये देती है कितना है, मतलब दे देती है 20 के अराउंड तो देती है आराम से, सिटी के अंदर ये 16-18 इतना निकालती है, अभी 20 दिखा रही है तो 20 दे रही होगी। चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पर चलते हैं, और पीछे इसका स्पेस देखते हैं कैसा है। स्पेस की बात करूँ तो पीछे भी एक एम्पल स्पेस है, मतलब कि छोटा बच्चा बीच में आ सकता है, मतलब जो मेरे साथ बैठा हुआ भाई वो थोड़ा पतला है, तो इस और मैं थोड़ा सा फिट ही हूँ, मतलब उतना मोटा भी नहीं हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा मोटा हूँ, लेकिन बीच में एक छोटा बच्चा बैठ सकता है आराम से, है ना, मतलब तीन बंदे बैठ सकते हैं, आगे दो बंदे आगे, तो 5 सीटर बोल सकते हैं इसे। और हेडरूम की बात करूँ तो सही है, मेरी हाइट 5.5 है, तो मेरे हिसाब से सही है, और काफ़ी एम्पल स्पेस मिलता है। और सिटिंग कम्फर्ट की बात करूँ, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सही है, जो एक बेसिक गाड़ी में चाहिए होता है वो सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। और ये VXI वेरिएंट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसका बेस वेरिएंट होने वाला है, और दोनों का कंपेयर इसलिए करूँगा, दोनों प्राइस सेगमेंट सेम है, दोनों का प्राइस सेम ही आता है। तो चलते हैं अपनी पंच के अंदर। पंच के अंदर तो बटन नहीं है, यहाँ से सिंपल हमें चाबी घुसानी पड़ती है, और इसको यूँ करके फिर ये खुल जाएगी, और दरवाजे खोलते ही फील हो रहा है एक, मतलब कि
हैवी पन का, मतलब जैसे 5 स्टार रेटिंग है तो उसे पता लग रहा है कि 5 स्टार गाड़ी है। इसके दरवाजे में जो आवाज़ है आपको मैं बता भी देता हूँ, साउंड देखो इसका साउंड कितना सही आ रहा है। आओ अंदर से आओ, तो यार ये साउंड सुनना दरवाजे का, क्या मस्त साउंड आया है। और अगर मारुति गाड़ी में बात करें तो भड करके साउंड आया था, पता लग रहा था कि क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी में तो हमने बात कर ली, अब इसके उस फीचर्स पे बात कर लेते हैं। और फीचर से मुझे गाड़ी में बैठते एक फीचर याद आया कि इसका जो स्टीयरिंग है ना, फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मारुति का जो स्टीयरिंग है ना वो भाई घूम के नहीं आता, मतलब वो बिल्कुल इतना आज्ञाकारी है, जिसको जिधर छोड़ देंगे ना वो उधर को भाग लेगा। पहाड़ों में दिक्कत आती है कि मतलब कि फटाफट में मोड़ना होता है तो वो वापस नहीं आ रहा, तो दिक्कत वाली बात है। इसमें टिल्ट भी है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने हाइट के। अच्छा, इसमें लेफ्ट अच्छा कैसे होता है, नीचे 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 ओके नीचे खींचो स्टीयरिंग को। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है हाईवे मोड के लिए। हां कि मतलब कि हम स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर हाइट। ये काफी अच्छा फीचर है जो कि बेस वेरिएंट में आता है। बताइए ये बेस वेरिएंट का फीचर है किसका, पंच का। और ये पंच में देख लीजिए, ये बाहर से लगवाए या अंदर से लगवाए, ये लगे लगाए हैं, ये लगे लगाए हैं, ये वाले लगे लगाए हैं भाई ने, ये बाहर से लगवाया है। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इसका टच रिस्पॉन्सिव सही लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा बात कर लें इसके किलोमीटर्स की, तो इसके किलोमीटर्स हैं हमारे, अभी ये चली है कहाँ, 1200 किलोमीटर्स, ये 1200 किलोमीटर चली है। देखिए मैं 1300 कह रहा हूँ, तो ये देखिए 1200 किलोमीटर चली है। और इसका एवरेज अभी ये शो कर रहा है यहाँ पे 11.4, अभी इसकी पहली सर्विस हुई है। और इसमें जो बाकी फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल नहीं है, और स्पीडोमीटर और जो हमारा आरपीएम होता है। और एक बात और बता दूँ, आरपीएम मीटर नहीं आता उसके अंदर, एस्प्रेसो के अंदर, इसके अंदर आरपीएम दे रखा है। और यहाँ पे सारी की सारी इंजन लाइटर है, बेसिक्स है, हाँ, और हीट वीट सब कुछ दिखा रहा है। और इसके अंदर बाकी यहाँ पे फीचर्स की बात कर लूँ तो ये एसी का फीचर है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर का दिखाता है। हाँ, यहाँ पे भी किलोमीटर दिखाया, ये तो बाहर से लगाया हुआ है, ये गाड़ी में आता नहीं है इसके अंदर, ये अभी लगवाया है। और इसके इसकी बात करें डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड हाँ काफ़ी एम्पल स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी स्पेस है, मतलब कि आराम से यहाँ पे बोतल भी रख सकते हो अपनी छुपा के, बोतल्स के लिए बहुत सारी जगह दी हुई है आपके डोर्स में। और यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है भाई ने, यहाँ पे बढ़िया डस्टबिन रखा हुआ जाते हैं तो, हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, भाई भी पहाड़ों से तो इसलिए उसने भी यहाँ पे डस्टबिन रखा है, वो पहाड़ों को गंदा नहीं करता या किसी भी एरिया को गंदा नहीं करना चाहता। और स्टीयरिंग की बात कर लो, स्टीयरिंग इसका नॉर्मल ही है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं आता, लेकिन इसका स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया इसे अभी मैंने, बहुत लाइट है, आप एक उंगली से घुमा सकते हो। और यहाँ पे क्या, ये इको मोड है, हाँ इको और सिटी मोड है। अच्छा, यहाँ पे इको मोस्टली सिटी ही यूज करता हूँ, इको मैं करता नहीं, मुझे ऐसा कुछ फर्क लगा नहीं इसमें। और ये क्या है, एक ऑप्शन क्या है, ये ऑटोमेटिक अभी पंच तो इलेक्ट्रिक में भी आ गई है, प्लस सीएनजी में भी आ गई है, काफी अच्छा, ऑटोमेटिक भी आ गई है, ऑटोमेटिक भी है। और ये इसके कुछ वेंट्स है यहाँ पे, कूलिंग का बहुत अच्छा है इसका, कूलिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा है, लाइट हो गई। और इसमें जैसे एंटी फॉग है इसमें, हाँ अच्छा, इसमें ये पीछे भी एंटी नहीं, पीछे नहीं है, पीछे नहीं है, आगे आगे फीचर्स है इसका, उसमें भी आगे आता है। और ये भी आपको ऑन रोड कितने की पड़ी, मेरे को ऑन रोड पड़ गई है 6.5 की पड़ी, मतलब कि लगभग दोनों के प्राइस बराबर है। मारुति की एस्प्रेसो में टॉप वेरिएंट ले लो या फिर इसका बेस वेरिएंट ले लो। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन की, तो भाई मुझे जो फील हुआ है ना, ये गाड़ी सेफ है, मतलब एक तरह से तो 5 स्टार रेटिंग है, और लगती भी है कि हाँ 5 स्टार के लायक है। और मतलब कि आपको चलाने पे पता लग जाएगा, बैठने पे पता लग जाएगा, बैठने में थोड़ा फील आता है कि मतलब कि तुम सेफ हो, और आपको ये पूरा प्रॉपर एक एसयूवी का फील देती है बैठने पे। और बात करूं उसकी तो वो सिटी के अंदर काफी अच्छी है, सिटी के लिए गुड है, काफी अच्छी है, उसका एवरेज भी दे रही है, प्लस की लो मेंटेनेंस है। और एवरेज अगर आपका रेगुलर अप डाउन गाड़ी से है तो वो बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन अब जैसे हमें फैमिली के साथ चलना है तो वो सेफ नहीं है, तो फैमिली के साथ अगर आपने हाईवे पे रन करना है तो उसके साथ ना जाना पसंद करूंगा, टाटा के साथ जाना। इसके बाद पीछे चल के देखते हैं एक बार, तो पीछे का स्पेस चेक कर लेते हैं कैसा है, गाड़ी बंद कर लेते हैं पता लगे। दूर की ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी,
और ये देखो भाई ने यहाँ पे 5D वो करवा रखी है ना फ्लोरिंग। हाँ 5D मैट है ये, पूरी कंप्लीट नहीं करवाई यार। इसमें घुसना और निकलना ना काफी इजी है एक्चुअली। इसमें इसका मेन चीज क्या है, इसका 90 डिग्री डोर को ओपन होता है, आप खोलो पूरा 90 डिग्री पे ओपन होगा, पूरा 90 डिग्री ओपन होगा, पूरा ऊपर हो रहा है ये गेट। तो बाकी गाड़ी में आप देखोगे इतना नहीं होगा किसी भी गाड़ी में, बल्कि बुजुर्ग भी बैठते हैं ना तो आराम से बैठ एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ काफी अच्छा फीचर है। इसको बंद करते हैं और देखिए जैसे उसमें आता है पीछे आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा ये। हाँ ये मैनुअल आता है इसमें, बेस इसमें स्पीकर अलग से लगवाए हैं, इसमें आए थे ये नहीं, नीचे मैंने लगवाए हैं इसमें, ये लगवाए हुए और वैसे इसमें आगे सामने आते हैं स्पीकर से ना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं आता, फ्रंट में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अच्छा वो लगवाना पड़ता है। ठीक है और बात कर लें स्पेस की, तो स्पेस मुझे लग रहा है कि हल्का सा ज्यादा लग रहा है उससे, है ना। अभी चार बंदे पीछे बैठे थे। अच्छा चार बंदे चार बंदों को पीछे बैठा के लाया हूँ मैं। अच्छा तो आ गए थे आराम से इजीली। हाँ, ये तो काफी अच्छी बात है। और मतलब ये स्पेस इतना है कि तीन बंदे आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं और सीट कुशनिंग, तीन बंदे आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और इसमें सीट कुशनिंग करवाई है कि कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है ये, कंपनी सीट्स को लेकर के अभी तक कुछ भी नहीं करवाया मैंने। अच्छा तो ये अभी जो बेस वेरिएंट में कंपनी से फिटेड आती है वही सीट है और काफी अच्छी सीट्स हैं ये, मतलब कुशनिंग काफी अच्छी है, कंफर्टेबल है। और बात करें इसके हेडरूम की तो हेडरूम भी काफी है, अच्छा मेरी तो हाइट कम है और भाई की हाइट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तब भी 6 feet में बैठने के बाद भी आपको ग्राउंड के ऊपर हेड स्पेस काफी अच्छा, स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा। और इसमें ये भी है, मैंने बताना भूल गया, इसमें ये लगे आते नहीं है, उसमें एडजस्टेबल नहीं आते, आते तो है इसमें एडजस्टेबल होते हैं। बाकी एवरेज आपको अभी एक्चुअली क्या है, मेरा अभी फर्स्ट ही सर्विस हुई है तो मेरे को ये 11.5 दे रही है। ठीक है अभी मैं ट्रैफिक में भी आऊँ तो मुझे 11 दे देती है। इसके अलावा अभी सेकंड सर्विस होने के बाद देखते हैं अच्छा क्या कितना फर्क सही है, अभी अभी तो देगी और एवरेज देगी। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल है और मतलब कि हार्ड चला ड्राइव करते हो या फिर वैसे? नहीं मैं नॉर्मल ड्राइव करता हूँ और स्पीड तो मैं इतनी नहीं चलाता हूँ। अच्छा। बट ये कि अगर आप चलाओगे भी, हाँ ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप पिकअप के मामले में अगर आपको पिकअप चाहिए गाड़ी में तो उतना पिकअप नहीं है। अच्छा पिकअप नहीं होगा? हाँ उतना पिकअप नहीं है, इनिशियल पिकअप जो होता है वो इसमें कम है, आफ्टर आपको पिकअप मिलेगा। अच्छा आफ्टर फिर वह भागेगी तो यार 60 पे पहुंच जाएगी, उसके बाद फिर ये भागने। भाई ने पिकअप की बात करी तो पिकअप से याद आया, अगर आप चाहते हो कि पंच और एस्पेसो की रेस हो तो कमेंट कर देना नीचे, तो एक रेस वीडियो बनाएंगे इसके बाद। बिल्कुल ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।